हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। यार गाइस देखो, मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों की कि रेडमी वाई थ्री के अंदर हम कैसे कस्टम रोम को इंस्टॉल करें, या फिर मैं जो भी कस्टम रोम की वीडियो डालता हूं तो आप लोग ज़रूर पूछते हो कि रेडमी वाई थ्री के अंदर ये वर्किंग होगा या फिर नहीं, एंड रेडमी वाई थ्री के अंदर कैसे कस्टम रोम डाउनलोड किया जाए, कहाँ से करें, कौन सी वेबसाइट है, सब कुछ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। एंड आपकी डिवाइस को यहाँ पर कुछ होगा या फिर नहीं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल वाले उनको भी दबा लेना। ओके, तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे जानना होगा रेडमी 7 और वाई 3 दोनों सेम डिवाइसेज हैं, और मार्केट के अंदर इसका सिर्फ नाम चेंज किया गया था, बाकी इसका प्रोसेसर से लेके सब कुछ यहाँ पे सेम है। अगर मैं रेडमी 7 के लिए कोई भी कस्टम रोम की वीडियो डालता हूँ तो आपको मानकर चलना है कि वाई 3 के अंदर भी वो कस्टम रोम या फिर कस्टम रिकवरी, कस्टम कर्नल, जो आप कहना चाहो, वो सब कुछ आपके रेडमी वाई 3 के अंदर भी वर्किंग होंगे। अभी काफ़ी लोगों को दिक्कत ये आ रही है कि वो काफ़ी घबरा रहे हैं कि रेडमी 7 का कोई भी मतलब प्रोजेक्ट आया हुआ है वो वाई 3 के अंदर वर्किंग होगा या फिर नहीं। तो गाइज देखो, यहाँ पे वाई 3 सेम डिवाइस है, तो वाकई में गाइज जो भी रेडमी 7 के लिए प्रोजेक्ट आएगा वो सब कुछ आपके रेडमी वाई 3 के अंदर वर्किंग होगा। अभी काफ़ी लोगों के मन में ये भी है कि हम अपने डिवाइस के लिए कस्टम रोम कहाँ से डाउनलोड करें। अभी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सा डिवाइस है, रेडमी 7 है, वाई 3 है, दोनों में से कोई भी है। अभी बात आती है कि इसकी कस्टम रोम कहाँ से डाउनलोड करें। अगर आप XGA पे जाके देखोगे तो वहाँ पे रेडमी 7 का लिखा होगा, वाई 3 का नहीं लिखा है। तो यहाँ पे काफ़ी बंदे कंफ्यूज होते हैं कि हमारे वाई 3 के लिए कस्टम रोम बना ही नहीं है या फिर उसको कैसे फाइंड करें। तो मैं आपको सबसे पहले आपको बता दूँ आपको क्या करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा वेबसाइट का, आप सिंपली उस वेबसाइट पर जाओ एंड उसे सेव करके रख लो अपने डिवाइस के अंदर। एंड जो भी कस्टम रोम यहाँ पे रिलीज किया जाता है मार्केट के अंदर, वो सारे ही कस्टम रोम आपको उस वेबसाइट के अंदर देखने को मिलेंगे, चाहे वो रेडमी 7 का हो, चाहे वो वाई 3 का हो, चाहे और किसी डिवाइसेस के। मतलब समझ सकते हो कि मेरा वो वेबसाइट के अंदर आप अगर आप एंटर करोगे तो आपको वहाँ पे सभी टाइप की कस्टम रोम्स आपके डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो आपको गूगल पर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, एंड आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपके डिवाइस के लिए कौन सा कस्टम रोम बेस्ट है। मैं वहाँ पे यार बेस्ट से बेस्ट कस्टम रोम प्रोवाइड करता हूँ, तो आपको सिंपली डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। तो आई होप कि मैंने आप सभी के जितने भी कन्फ्यूजन थे वो दूर कर दिए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।